नमस्कार, मामाज मील किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पिंडी छोले, जो कि अमृतसर की बहुत ही फेमस डिश है। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। हम बनाना शुरू करते हैं। ये एक बड़ी कटोरी हमने सफ़ेद चने लिए हैं। इसको हम अच्छे से वॉश करके भिगो के रख देंगे रात भर के लिए। ये चने मैंने अच्छे से धो के इसको भिगो दिया है। इसको हम रात भर के लिए भीगा रहने देंगे और फिर सुबह इसको बॉईल करेंगे। ये रात भर चने भिगोने के बाद हमारे चने जो हैं अच्छे से फूल चुके हैं। रात में नहीं भिगो पा रहे हैं तो 6-7 घंटे पहले हम भिगो दें। अब हम इसको एक प्रेशर कुकर में डालेंगे। ये रात भर चने भिगोने के बाद हमारे चने जो हैं अच्छे से फूल चुके हैं। इसमें हमने 4.5 कटोरी पानी की डाली है। अब इसके अंदर 1 चम्मच हम ये नमक का मिलाएंगे। ये थोड़ा सा मीठा सोडा है, सोडा बाइकार, ये भी हम इसके अंदर डालेंगे। अब इसी के अंदर हम ये खड़े मसाले हैं, ये 2 मोटी इलायची है, 2 छोटी इलायची, 1 दालचीनी का स्टिक है, ये लौंग है, 4-5 लौंग ले लेंगे, तेज़पत्ता 1, और ये टी बैग है, ये टी बैग को भी हम इसी के अंदर डालेंगे। तेज़पत्ता डाल देंगे और ये टी बैग है, ये हम इसका धागा तोड़ देंगे। ये टी बैग भी इसी के अंदर डाल देंगे। ये दालचीनी की स्टिक, ये लौंग है, ये भी हम इसी में डालेंगे, मोटी इलायची और छोटी इलायची। अब हम ये लीड को बंद करेंगे और इसको गैस के ऊपर प्रेशर आने तक फुल फ्लेम पर रखेंगे। जैसे ही इसका प्रेशर आ जाएगा हम गैस की फ्लेम को कम कर देंगे और उसके बाद हम 20 मिनट के लिए इसको बॉईल करेंगे। कुकर का प्रेशर बढ़ने पर हमने 20 मिनट के लिए इसको स्लो फ्लेम पर और रखा। अब 20 मिनट हो चुके हैं, गैस को हम बंद कर देंगे और इसको अपने आप ठंडा होने दें। जब इसका प्रेशर अपने आप रिलीज हो जाएगा तब हम इसको खोलेंगे। ये चने हमारे बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं, अब इनको हम खोल लेंगे। ये चने देखिए कितने बढ़िया गल चुके हैं। अब इसको हम एक छलनी के अंदर इनको छान लेंगे। छानने के बाद हम इनमें से जो हमारे खड़े मसाले थे इनको निकाल देंगे और हम दूसरी तरफ अब इसके मसालों की तैयारी करते हैं। ये चनों में से हमने चाय की पोटली और खड़े मसाले निकाल दिए हैं। ये पानी हम अभी रखेंगे इसको, ये चने का पानी है, इसको हमें बाद में यूज़ करना है। हम अभी जो सूखा मसाला है वो उसको रोस्ट करके तैयार करते हैं। चनों का मसाला बनाने के लिए एक पैन में हम सबसे पहले 1 छोटा चम्मच जीरा है इसको रोस्ट करेंगे। अब इसके अंदर हम ये अजवाइन डालेंगे, ये 1/4 टीस्पून हम डालेंगे और इसी के अंदर हम जरा सी ये हींग डालेंगे। ये 2 लौंग है, ये भी हम इसी के अंदर डालेंगे। गैस की फ्लेम हम बिल्कुल कम कर देंगे। अब 2 चम्मच हम इसके अंदर ये धनिया है ये डालेंगे और ये बिल्कुल थोड़ी सी काली मिर्च है ये भी हम इसके अंदर डालेंगे। इन सबको हमने अच्छे से रोस्ट कर लेना है। जीरा जो है वो ज़्यादा रोस्ट होना चाहिए, बाकी चीज़ें हम कम करेंगे। गैस को हम बंद कर देंगे। अब इसके अंदर हम कसूरी मेथी है ये डाल देंगे ताकि ये भी हल्की सी रोस्ट हो जाए। गैस को हमने बंद कर दिया है, जितना पैन गरम है उतनी आंच में ही हम इसको बस रोस्ट कर लेंगे। अनारदाना पाउडर हम 1 से 1.5 चम्मच डाल सकते हैं। वैसे तो ये पिसा हुआ है लेकिन कई बार इसके दाने जो हैं मुंह में आते हैं तो हमें अच्छे नहीं लगते,
तो हम ये सारा मसाला जब पीसेंगे उसी के साथ एक बार फिर ये पीस जाएगा, ताकि इसके जो दाने हैं थोड़े से और बारीक हो जाए। ये हमारा मसाला जो तैयार है इसको हम अब पीसेंगे। इसको हम हाथ से भी कूट सकते हैं या मिक्सी के जार में डाल के भी हम इसको एकदम पाउडर बढ़िया कर सकते हैं। ये हमारा मसाला जो है ये इस तरह से पिस चुका है। आधा छोटा चम्मच हम काले नमक का डालेंगे, ये पौना चम्मच हम अमचूर पाउडर का डालेंगे, ये आधा छोटा चम्मच पुदीना पाउडर है, ये सूखा हुआ पुदीना है उसका पाउडर है, ये भी हम इसी के अंदर डालेंगे। ये हम इन सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे। नमक क्योंकि हमने सफ़ेद भी डाला था, अब काला भी थोड़ा सा डाल दिया है, तो हम इसको अब टेस्ट करके और जितनी ज़रूरत होगी उसी हिसाब से नमक और बाद में ऐड कर लेंगे। ये जो हमने चने रखे थे इसके ऊपर ये सब डाल देंगे, इनको हम हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। अब हम तड़का इसको लगाएंगे। तड़के के लिए हम एक प्याज है इसको मिक्सी में बारीक पेस्ट बना लेंगे, अदरक और लहसुन है इसकी पेस्ट बना लेंगे, हरी मिर्च एक है और ये तीन टमाटर है, ये ज़्यादा बड़े साइज़ में नहीं है तो अगर बड़े साइज में हो तो दो ले सकते हैं। इन सबको पेस्ट बना लेंगे, हमने सबका अलग अलग पेस्ट बनाना है, प्याज का, अदरक लहसुन और टमाटर और हरी मिर्च। अब तड़का लगाने के लिए हम एक कढ़ाई में ये ऑयल डालेंगे। ऑयल हमने लगभग 3 चम्मच डाल देना है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, ये प्याज का पेस्ट हमने बना लिया है, ये हम इसके अंदर डालेंगे। प्याज को हमें अच्छे से भून लेना है। ये प्याज हमारा जो कलर चेंज कर चुका है, अब इसके अंदर हम 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है ये डाल देंगे। अब इसको भी थोड़ा भूनने के बाद हम ये टमाटर और हरी मिर्च इसको भी हमने पेस्ट किया था ये भी डाल देंगे। अब हम इसके अंदर ये थोड़ी सी देगी मिर्च डाल देंगे, ये हम जितना तीखा खाते हैं उसी हिसाब से हम नमक और मिर्च की क्वांटिटी अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। मैंने 1/4 टीस्पून डाली है। ये मसाले को हम अच्छे से भूनेंगे जब तक कि ये अपना ऑयल छोड़ दे। ये जो पिंडी चने हैं ये अमृतसर की मशहूर डिश है, इसमें जो चने हैं ज़्यादा टूटे हुए नहीं होते हैं और ये ब्लैक कलर के होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ उनको लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये तड़का जो है हमारा, देखो ऑयल छोड़ना शुरू हो चुका है, इसको अब बस हम ज़रा सा ही और भूनेंगे। गैस की फ्लेम हम कम कर देंगे। तड़का जो है अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसके अंदर ये जो चने हैं ये हम डाल देंगे। गैस की फ्लेम को तेज कर देंगे। ये जो चनों की ग्रेवी थी जो हमने चने छाने थे उसमें से बची, हम इसके अंदर ये ग्रेवी जो है ऐड करेंगे और जितने हमें ये चने सूखे चाहिए या ज़्यादा हमें लिक्विड ही चाहिए उसी हिसाब से हम इसको तरी को डालते जाएंगे। चने जो है बड़ी जल्दी ड्राई हो जाते हैं, तो हम इस ग्रेवी को जब भी चने गरम करें तो ऐड कर सकते हैं। ये चने भटूरों के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे तो चनों की इतनी वैरायटी है, हम जितने मर्जी तरह से हम बना सकते हैं। ये हमारे चने जो हैं ये तैयार हो चुके हैं, अब इनको टेस्ट करके देखेंगे, अगर इसमें नमक की कमी है तो हम और अभी डाल सकते हैं।
और अगर आपके पास इमली का पल्प है तो हम वो भी हम 2 चम्मच डाल सकते हैं इसमें, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ये थोड़ा सा हम काला नमक भी इसके अंदर और डालेंगे। अब ये चनों को हम निकाल लेंगे। अब इसके ऊपर हम सर्व करने के टाइम तड़के की तैयारी करते हैं। इसको हम एक बॉल में निकाल लेंगे। एक पैन के अंदर हम ये थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। और इसके अंदर ये बारीक कटा हुआ लहसुन है, ये हम इसके अंदर डालेंगे। इसको हल्का ब्राउन होने देंगे। अब इसके अंदर ये बारीक कटे हुए अदरक है और ये हरी मिर्च है टुकड़ों में काटी हुई, इसको भी हम हल्का पका लेंगे। अब इसमें हम थोड़ी सी देगी मिर्च डालेंगे कलर के लिए। अब हमने चने जिस बॉल में डाले हैं इसी के अंदर इसके ऊपर हम ये तड़का डाल देंगे। इससे ये देखने में भी सुंदर लगते हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। ये हम इसको ऊपर से डेकोरेट करेंगे इस तरह से, प्याज के लच्छे के साथ सजा देंगे। ऊपर से हम हरा धनिया थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। ये हमारे पिंडी चने जो हैं तैयार हैं। जब भी कोई मेहमान आए उनको आप बनाइए, खिलाइए और इम्प्रेस करिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।